फतेह आजम के मज़ार गया हलीम खाने के बाद, खाना खाने के बाद। तो क्योंकि मेरे पास एक बैग होता है हमेशा, आपने देखा होगा वीडियो में, वो मुझे ले जाने नहीं दिया गया अंदर, तो मैं बैग कहाँ रखता, तो मैं अंदर नहीं गया। फिर तो कब्रिस्तान मज़ार के साथ ही है, मतलब करीब ही है रोड पे, तारिक रोड का कब्रिस्तान, वहाँ पे मेरे वालिद साहब जो है मदफन है। तो क्योंकि मैं जब कराची आता हूँ जब भी, तो ज़रूर मैं फातिहा के लिए जाता हूँ कब्र पे अपने वालिद साहब की। तो चलते हैं, फातिहा करेंगे और उसके बाद फिर कब्रिस्तान चलते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। आइए सबसे पहले फूल वगैरह और जो केवड़ा वगैरह डालते हैं वो लेते हैं, उसके बाद कब्रिस्तान चलते हैं और फातिहा करते हैं। ये मेरे वालिद साहब की कब्र है, और बस माँ बाप जिनके नहीं होते वो ही इस चीज़ का एहसास समझ सकते हैं। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को उनके सरों पे कायम रखे। और बड़ा सुकून सा मिलता है जब भी कब्रिस्तान आता हूँ ना, तो दुनिया भर की तमाम थकान, टेंशंस, परेशानियाँ सब ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि आपको एक दफ़ा सोच आती है कि यार इन दी एंड आपने भी इधर ही जाना है, तो ये परेशानियाँ टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। तो लेकिन ये है कि हम दुनियादारी के अंदर लगे हुए हैं, जाहिर है वो भी ज़रूरी है, करनी पड़ती है। तो लेकिन ये है कि जब कभी आप ज़्यादा डिप्रेस हों, परेशान हों, तो आप कब्रिस्तान आ जाएं, और जब आप इस जगह पे आते हैं तो आपकी तमाम टेंशन है, डिप्रेशन, जो भी मसाइल होते हैं ना, वो वक्ती तौर पर कुछ देर के लिए ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि आपको एक आखरत का एक मंज़र नज़र आता है कि देखो ये भी दुनिया की भाग दौड़ में इतने शामिल थे और कितना कुछ करते थे, लेकिन आज आखिर एंड क्या है हमारा, इंसान का एंड क्या है, वो यही है कि हमने एक दिन इस कब्र में हमने भी चले जाना है। चलें, ये ज़रूरी विज़िट था मेरा, मैंने कहा चलें इसमें, इस दफ़ा ये मेरा पर्सनल था, लेकिन मैंने आप लोगों को शामिल किया क्योंकि आप मेरे जो भी पर्सनल है मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मैंने कहा इसके अंदर भी आपको जो है वो दिखाया जाए, और वो कब्र दिखाऊँ, कब्रिस्तान आपको दिखाऊँ। लेकिन मैं जब भी आता हूँ कराची तो वालिद साहब की कब्र पर ज़रूर फातिहा करता हूँ।